नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। नेपाल में सियासी गतिरोध के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद की मांग की है। नेपाल की राजनीति में चीन की दखल को देखते हुए उन्होंने तत्काल राजनीतिक मदद की गुहार लगाई है। इससे आशंका जताई जा रही है चीन के दखल से नेपाल भयभीत हो गया है। नेपाली नेता प्रचंड ने कहा कि भारत हमारी मदद करे, हम लोकतंत्र समर्थक देश हैं। तो देखते रहिए खास रिपोर्ट। तो चीनी प्रतिनिधि मंडल देश की राजनीति में दखल क्यों दे रहे हैं? गौरतलब है कि चीन ने नेपाल में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच वहां अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। नेपाल की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री गो योजू के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पिछले 3 दिनों में तमाम नेपाली नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से बचाने की कोशिश में नाकाम होता नजर आ रहा है। बता दें कि वर्ष 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी ने मिलकर एकत्रित कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। इसमें चीन की अहम भूमिका बताई गई थी। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। झांसी थाना बबीना क्षेत्र बीएचएल चौकी इंचार्ज अजमेर सिंह भदौरिया की तरफ से नया साल मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजीव राय उर्फ गोलू पत्रकार की तरफ से नया साल मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।